क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 3.7, रेनू परचेजेस टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू है वो टू बैग फर्टिलाइजर के खरीदती है मार्केट से, इसका वेट है 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, वेट मीन्स आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से कोई चीज लेने जाते हैं तो एक तरफ आपका आइटम रखा जाता है, एक तरफ आपका केजी का जैसे कुछ बांट होता है, हम लोग उसको बांट बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 kg का, 2 kg का, ठीक है, 500 ग्राम का, इस तरह से एक तरफ वेट रखा जाता है, एक तरफ आपका सब्जी आइटम जो भी चीज आप परचेज करते हो उसको रखा जाता है। तो ये जो बांट होता है, ये जो वेट होता है वो आपका पूछ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कौन सा वेट का होगा, विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, मान ली आपने कोई 20 kg का सामान खरीदा, ठीक है, मान ली हम 20 kg आलू लिए, अब जो आपका इस टाइप से आप देखते होंगे, यहां पर आपका सामान रखा जाता है और इस तरफ आपका वो वेट रखा जाता है, ठीक है, वेट देखिए इस टाइप का होता है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, इस टाइप का होता है, इसमें आपका होगा 1 kg, 2 kg और इस तरफ आपका आइटम रखा जाता है। तो ये जो वेट है वो आपका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, जैसे मैंने देखी 20 kg का लिया है, अगर मेरे पास ये वेट 5 kg का होगा तो आप 5 kg करके 4 times आप इसको तोलोगे तो आपका ये 20 kg बनेगा। 5 kg का अगर वेट होगा तो 4 times आप इसको नापोगे तब आपका ये 20 kg हो जाएगा। इसी तरह से अगर वेट आपका 10 kg का हुआ, ये 10 kg का हुआ तो आप इसको 2 times 2 times आप इसको करोगे तो आपका ये 20 kg हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि मान ली 20 kg का आपने कोई सामान लिया, अगर आपका ये वेट 5 kg का हुआ तो आपको इसको 4 times बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा, तब आपका ये 20 kg होगा। अगर ये वेट 10 kg का है तो आप इसको 2 times जो है तोलकर तो आप 20 kg का आप निकाल पाओगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका ये वेट 2 kg का हुआ तो आपको 10 times करना पड़ेगा तब आपका 20 kg निकल के आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे एक बैग ना होकर देखिए यहां पर 2 bags हैं, 75 kg का और 69 kg का। अब ये क्वेश्चन आपका एचसीएफ एलसीएम का है, जरा देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, जब आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट पूछा गया है तो एक होता है क्या एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। एच का मतलब होता है हाईएस्ट और एल का मतलब होता है लोएस्ट या लीस्ट। तो जब भी आपका मैक्सिमम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट इस तरह से आएगा तो आप ये हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहां पर आपका मिनिमम, लोएस्ट, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगी, स्मॉलेस्ट, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज से समझ में आएगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। जैसे यहां पर देखिए मैक्सिमम की बात की गई है, जब मैक्सिमम की बात की जाएगी तो देखिए मैक्सिमम मींस ज्यादा, तो ये हाईएस्ट, कॉमन फैक्टर तो ये भी ज्यादा हाईएस्ट, इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालिए आप किसका, यहां पर लिखिए वेट ऑफ टू बैग्स कितना है 75 kg एंड 69 kg, ठीक है, आपको क्या निकालना है। तो आपने यहां से देखा कि मैक्सिमम है तो आपको एचसीएफ निकालना है, यहां लिखिए एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69, इसका निकालेंगे तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपको, ठीक है, 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 5 15, 5 से करेंगे, 5 5 25 और 5 1 5। इसी तरह से 69 का देखिए, 69 का देखिए, ये आपका 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 3 9 और 23 बार जाएगा आपका, ठीक है, 23 जो है आपका एक राम नंबर है तो इसलिए 23 से ही डिवाइड होगा,
अब इसके आप यहाँ पर फैक्टर्स लिखिए, प्राइम फैक्टर्स 3 × 5 × 5 और 69 के लिखिए 3 × 23। आपने यहां देखा कॉमन नंबर आपका क्या है 3 है, एससीएफ आपका क्या होगा 3 होगा। एससीएफ 3 होगा यानी कि जो आपका ये वेट है वो 3 केजी का होना चाहिए। अब देखिए जरा जब 3 केजी का हुआ तो आपका 75 जब आप मापेंगे तो आपको ये 25 टाइम्स करना पड़ेगा तब आपका ये 75 आएगा, और जब आपका इसको मापना होगा तो आप देखिए 23 टाइम्स आपको करना पड़ेगा तब आपका ये 69 केजी माप पाओगे। ठीक है, ये वेट रहेगा तो आपको ये पूरा एग्जैक्ट आपका जो है माप हो जाएगा इसका। अगर किसी और को वेट लिया ना तो सामान तो आपका मापेगा लेकिन लास्ट में जाके कुछ ना कुछ आइटम आपका बचेगा। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट वेट हुआ ना तो कोई भी आपका सामान बचेगा नहीं, सब आपका मापा जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। एक बार ओवरऑल में फिर से क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए कि टू बैग्स थे आपके 75 केजी के और 69 केजी के। आपको यहां पर एक ऐसा वेट रखना था कि यहां पर जो मैं आइटम लिया हुआ हूं उसको यहां रखेंगे। जैसे मान लीजिए 3 केजी का वेट आया, 3 केजी रखा तो एक बार में 3 केजी आपका आइटम होगा, उसको अलग रखिए, फिर से 3 केजी रखिए, फिर से अलग रखिए, फिर से 3 केजी रखिए, फिर से अलग रखिए। ये आपको लगभग 25 टाइम्स करना पड़ेगा तब आपका 75 केजी का पूरा आइटम आपका हो पाएगा। इसी तरह से 23 टाइम्स आप इसको रखेंगे, बार बार करेंगे ना, तब आपका 69 केजी का वेट हो पाएगा। ठीक है, अगर इस वेट के अलावा अगर आप यहाँ पर 5 केजी का रखते हैं तो हो सकता है ये पूरा आपका ना हो पाए, कुछ आइटम आपका बच जाए। ठीक है, ये चीज है इसमें। इसका एससीएफ निकालेंगे, एससीएफ आपको पहले से ही पता होगा किस टाइप से एससीएफ को निकालते हैं। ठीक है, चलिए एससीएफ आपका ये 3 निकल के आ गया, तो यही आपका हाईएस्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। इसको आप ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इक्वल टू 3 केजी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।